দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, উদ্বোধন হয়ে গেল রাম মন্দিরের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে হলো সেই উদ্বোধন। দেশ বিদেশের অতিথিরা সেখানে পৌঁছেছিলেন। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় পুরো অযোধ্যা নগরীকে। প্রায় 7,000 অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই তালিকায় যেমন ছিলেন সাধু সন্ন্যাসীরা, তেমনি ছিলেন রাজনীতিবিদ থেকে ফিল্ম স্টার, খেলোয়াড়, সকলেই। সোমবার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে আজ তাকের মুখোমুখি হয়েছিলেন সঙ্গীতশিল্পী সোনু নিগম। তিনি রাম মন্দিরে আসা প্রসঙ্গে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে বলেন, আমি কি দেখতে যাচ্ছি, কোন ঘটনার সাক্ষী হতে যাচ্ছি, এটা যখন ভাবলাম তখন আমার চোখে জল চলে আসে। যারা জাননি তারাও বাড়িতে দিওয়ালি পালন করছেন। আমাদের বাড়িতেও লাইট লাগানো হয়েছে। আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে এই ঘটনার সাক্ষী থাকতে পারছি। সোনু নিগম কি বলেছেন আজ তাকে, শোনাবো তার কথা। मैं आज जब एयरपोर्ट पहुंचा मुंबई में, जब मुझे तब एहसास हुआ कि मैं क्या देखने जा रहा हूं, मैं क्या दर्शन करने वाला हूं, या किस बात का साक्षी हो रहा हूं मैं, एंड आई सडनली स्टार्ट क्राइंग। मुझे लगा कि सोचने के आंसू या असली के आंसू? हाँ, मतलब एक होता ना रुआसा हो जाता है इंसान कि कमाल है, हमको एक ऐसे युग में पैदा किए कि जो हम ये अभी तो मुझे इसका इतना ऑफकोर्स इतना नहीं था, मुझे था कि हम जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा, एहसास हुआ अंदर कि मैं कल सुबह एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण को देखने वाला हूँ, अरबों लोगों की कंट्री में मुझे सौभाग्य मिल रहा है, जो लोग नहीं भी जा रहे वो भी अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं। जैसे मेरे घर में अभी कोई नहीं है, पर मेरे घर में पूरा मेरे बंगलों पर लाइट्स लगा रखे हैं, कल परसों से लगा रखी है हमने, तो इतना अच्छा उल्लास खुशी का माहौल है। मुझे लग रहा है हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस ऐतिहासिक क्षण को देख पा रहे हैं। एक तो देश की एफ्लुएंस, पहली बात, एक तो उसकी एफ्लुएंस, दूसरा हम हमारे कोर फैब्रिक की खुशी मनाने की जो प्रवृत्ति है ना हमारी, हम जो खुश रहना चाहते हैं एज इंडियंस, हम लोग मरते मरते भी हम लोग ज़्यादा दुख में और नेगेटिविटी में नहीं रहते। हमारे त्यौहार खुशी के त्यौहार हैं, हम जो भी करते हैं वो एक समाज की फैब्रिक में खुशी बढ़ाने के लिए करते हैं। ये पूरी दुनिया में ये संदेश है इस जो ये महोत्सव जो चल रहा है इसका। এরপরেই সোনু নিগম বলেন, আমি এমনিতেই 7-8টা গান গেয়ে দিয়েছি, আমরা সকলেই কিছু না কিছু দান করেছি, মোদিজি এই নিয়ে টুইটও করেছেন। কি বলছেন শিল্পী, শুনুন। मैंने खुद ही 7-8 गा दी हैं, पर मैं मना नहीं करा किसी को भी। क्या हो रहा है कि ऐसे मौके पे मैं कहूँ कि इतना पैसा नहीं दोगे तो मैं कर रहा हूँ बस। मैंने बोला ये कुछ जो हो रहा है होने दो, अभी इस समय हम हर इंसान अपना कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है, तो मुझे भी और अच्छे अच्छे गाने मेरे बहुत सारे आए हैं, अभी राम के जो भजन आए हैं पूरे तो देश में। कौन सा गाना चल रहा है, कौन सी बहन चल रही है? अभी एक भजन मैंने गाया था, अब तो मेरे राम आए हैं ना, उसका गाना एक सुर अलग बज रहा है ना सारंगी का, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ क्योंकि अभी भी आया है वो, मोदी जी ने उसके बारे में ट्वीट भी किया हुआ है, अवध में राम आए हैं, ये गाना आशुतोष अग्निहोत्री जी ने लिखा है और श्रेयस ने कंपोज किया है, ये मैंने गाया, इसका काफ़ी नाम हो रहा है। नहीं, बट द फैक्ट दैट इतने सारे राम भजन आ रहे हैं इस वक्त, एक तरीके से ये इस वक्त मतलब जहाँ से टेलर स्विफ्ट का फिनोमेना है अमेरिका में बाकी जगहों पे, वैसे इस वक्त यहाँ पे राम भजन है, उन्हीं की मतलब तुलना टक्कर चल रही है। बिल्कुल, और अच्छी बात है, इसी वजह से बहुत सारे नए सिंगर्स को भी अचानक प्रसिद्धि मिल रही है। मैंने देखा है कि मोदी जी ने अभी ट्वीट किया था ना, कौन सी मेरे झोपड़े में राम समथिंग ऐसा गाना, वो भी बहुत चल रहा है। अच्छी बात है, लोग कामयाब हों, लोग खुश हों, खुशी मनाएं, इससे बड़ी अच्छी बात हो सकती है। क्या गाऊं, शहनाई बज रही है, मेरे रागों का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। সোমবার ঠিক বেলা 12:30 নাগাদ অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া শুরু হয়। তার মধ্যেই রামলালার বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই রাম মন্দিরের যে উৎসাহ, এতদিন ধরে যে রাম মন্দিরের একটা উৎসাহ চলছিল মানুষের মনে, সেই উৎসাহ কিন্তু আজকে 7,000 মানুষ যারা উপস্থিত ছিলেন, 7,000 বিশিষ্ট আমন্ত্রিতরা যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা প্রত্যক্ষ করেন ভারতের এক ঐতিহাসিক মহেন্দ্রক্ষণকে।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनी जजमानी करेछिलेन एई रामलालार प्राण प्रतिष्ठार बोलते गेले एकदिके जेरकम त्रिपले टांगानो जे अस्थायी मंदिरटी छिलो जेखाने रामलाला के पुजो करा हतो प्रतिनियत सेई रामलालाकेई आज के प्रासादोप्रम जे मंदिर सेई मंदिरे ताके प्रतिष्ठित करा हलो। আপনাদের কেমন লাগলো সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান এবং সার্বিক বিষয় জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, বেল বাটন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।